हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंट ईआरपी सॉफ्टवेयर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंट सॉफ्टवेयर में अकाउंट ऐड कैसे करना है, नया अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको डैशबोर्ड पे जो पेज दिखाई दे रहा है, वहां पे फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर का, उस पर क्लिक करते ही आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट। अकाउंट पे जाते ही आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिख रही है लिस्ट ऑफ अकाउंट, उस पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो डिटेल्स दिखाई दे रही है, ये सब आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अकाउंट नेम लिख रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे कोड और एलियास, यहाँ पे है अकाउंट ग्रुप, आपको अपने हिसाब से अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी है पार्टी का वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, ट्रांसपोर्टर कोई भी हो तो। यहाँ पे है एड्रेस, मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे है सिटी, यहाँ पे अभी मैं अहमदाबाद सिलेक्ट कर रही हूँ जो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। अगर आपको नया सिटी ऐड करना है तो आप F2 की पे प्रेस करके सिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है स्टेट, यहाँ पे है एरिया, यहाँ पे एरिया का पिन कोड नंबर, यहाँ पे है फोन नंबर और यहाँ पे है मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे है ईमेल आईडी, देन यहाँ पे आता है जीएसटी नंबर। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड कर रही हूँ, आपको जो भी वैलिड जीएसटी नंबर है वो ऐड करना है। अगर आप गलत जीएसटी नंबर ऐड करते हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जीएसटी नंबर वैलिड है या इनवैलिड। जीएसटी नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे सर्च का जो आपको बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जीएसटी नंबर वैलिड होगा तो यहाँ पे जो डिटेल्स आपको सब दिख रही है वो सब अपने आप फिल हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे अभी वैलिड है तो मैं गो पे क्लिक कर रही हूँ। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल पे क्लिक कर रही हूँ। ओके, सो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर ऐड करते ही ये जो मैंने नहीं डाली थी डिटेल्स वो सब ऐड हो गई। यहाँ पे कोड एलियास ऐड हो गया है, एड्रेस फुल यहाँ पे ऐड हो गया है, देन यहाँ पे आता है पैन नंबर, पैन नंबर भी डाला हुआ था जीएसटी डिटेल्स में इसीलिए अपने आप ही फिल हो गया। यहाँ पे आपको आधार नंबर ऐड करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड करना है, यहाँ पे है क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट डेज। गाइज, ये ऑप्शन इसलिए है कि हम कोई भी पार्टी को क्रेडिट पर अमाउंट दे रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अभी लिखा है 10,000, मैं 10,000 अमाउंट क्रेडिट पे दे रही हूँ और क्रेडिट डेज मतलब 30 डेज के लिए मैं ये 10,000 रुपीज क्रेडिट पे अभी ले रही हूँ, मतलब मैं अकाउंट को क्रेडिट पे उनका बिल बना रही हूँ 10,000 का। तो 30 डेज में वो 10,000 पहले क्लियर होंगे, उसके बाद ही मैं दूसरी कोई नई अमाउंट उनको क्रेडिट पे बना दे सक मतलब बनाने का ऑप्शन उसके बाद ही आएगा, ये 10,000 क्लियर होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड आपको जो भी मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से आपको बैलेंस मेथड आप जो भी यूज करते हो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंड क्रेडिट डेबिट, आप यहाँ से क्रेडिट हो तो क्रेडिट, डेबिट हो तो डेबिट वो सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आता है ऊपर की जगह पे पर्सनल डिटेल्स, जो दूसरा ऑप्शन है वो पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन 1, कॉन्टेक्ट पर्सन 2 उनका नेम लिखना है, कॉन्टेक्ट पर्सन का जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है फैक्स, उसके बाद यहाँ पे है वेबसाइट, उनकी जो भी वेबसाइट है यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे मैसेज बॉक्स, यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज या नोट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे है बैंक नेम, यहाँ पे है ब्रांच नेम, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक एड्रेस और अकाउंट टाइप, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है अदर डिटेल्स, जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, कैपिटल इन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस,
देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट नेम, इंटरेस्ट पे एंड इंटरेस्ट अकाउंट नेम। ओके गाइस, सो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे हमें सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स डाली, नया अकाउंट बनाया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने बनाया था एपिक के नाम से, तो यहाँ पे आ गया है एपिक डेवलपर्स करके। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके या तो फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये ओपन कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अभी व्यू कर रही हूँ, तो हमने जो भी डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पे आ गई है। ओके, एंड देन यहाँ पे ऊपर की जगह पे आपको एक्सेल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल का बटन दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप एक्सेल पे क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स डाली थी वो आप एक्सेल शीट में देख सकते हो। ये देखिए, हमने जो भी डिटेल्स डाली है वो हमें एक्सेल में दिखा रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप डिटेल्स सब एक्सेल में भी देख सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड होती है ये। ओके, एंड देन यहाँ पे अभी एक और ऑप्शन है ऑडिट का। हमने जो भी डिटेल्स डाली है वो हमें अभी, मतलब बाद में पता चलता है कि नहीं हम कुछ गलत हमने ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ से दूसरा जो ऑप्शन है एडिट, उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो कोई भी डिटेल्स आपने गलत लिखी है तो वो चेंज करने के लिए। एंड देन यहाँ पे आता है ऑडिट का ऑप्शन। एक बार ऑडिट हो जाने के बाद वो डिटेल्स हमारी लॉक हो जाएगी, तो कोई भी हमारा मतलब सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है लॉग इन आई डी पासवर्ड डाल के, तो वो डिटेल पे चेंजेस नहीं कर सकेगा। यहाँ पे मैं ऑडिट पे क्लिक करती हूँ तो ये लॉक हो गया, ये आप देख सकते हो। और अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ये अनऑडिट कर दिया। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।